ने उधर देखो बाउंड्री पे ये गमले जो है ये वाले देखो लगा रखे थे, तो ये अभी 1 ईयर से ज़्यादा हो गए और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इसका रूट बाउंडिंग हो गया है ऑलरेडी। रूट बाउंडिंग होने पे क्या होता है कि जब उसको पानी देते हो तो थोड़ा सा वो ग्रीन ऐसे नया कूपने स्टार्ट करता है, और लेकिन हमेशा स्ट्रेस में रहता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो रूट बाउंडिंग मैं अभी विनिंग में दिखाऊंगा। तो अभी देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसका थोड़ा ये लीफ वगैरह इसका निकाल लूँगा, जो भी है इसमें हार्वेस्ट कर लूँगा, और इसको पूरा हार्ड प्रूनिंग करेंगे इसके, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकेगा इसका प्रून कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखो कट कर दिया इसको, ये देखिए पूरा कट करके यहाँ पे निकाल दिया हमने, ये देखो पूरा अच्छे से जितना हो सका, नई ब्रांचेस थोड़ा जो भी डेड हो रही हैं उनको मैंने काट दिया। अब इसका जो है इवनिंग में मैं थोड़ा रूट बाउंडिंग फिक्स करूँगा। तो ये सारे प्लांट पार्ट जो है आप देख सकते हो, ये है देखो इसमें इसका काफ़ी ओल्ड हो गया, लगभग 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, और इसकी रूट्स से पूरा डेवलप हो चुकी हैं, तो ये एक्सट्रीम पे है अपने समझो। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेस में रहेगा और अच्छा हम ग्रोथ नहीं लेगा, इसमें कुछ है भी नहीं। ये देखें ये वाला, ये पूरे हम निकालेंगे इसको, पूरा इसको सेट करेंगे। इवनिंग में दिखाता हूँ, ये भी इसका देखो ये मैरीगोल्ड है, अभी देखो ग्रोथ अच्छा दिख रहा है इसका। फिलहाल कुछ दिन पहले मुझे स्ट्रेस में दिखा था, तो उसका अभी रूट बाउंडिंग हो चुका है। तो अभी ऐसे ही कुछ और प्लांट्स हैं जिनका मैंने ऑलरेडी रूट बाउंड फिक्स किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी जैसे इसमें 2 दिन वाटर नहीं मिलेगा ना, तो ये पूरा स्ट्रेस में जाके पूरा डिसअपॉइंट हो जाएगा, वो पूरा दिखेगा मर भी सकता है। तो ये देखिए इसका फिक्स किया है, अभी यहाँ पे नई नई ब्रांचेस आ गई हैं, नया नया इसमें अभी आई थिंक बर्ड्स भी आ गए हैं, फ्लावरिंग सीज़न है क्योंकि ये। तो मैं इवनिंग में दिखाता हूँ उसको कैसे करूँगा। ये देखो ये ऑलरेडी हो गया है फिक्स, क्योंकि मैं पहले ट्राई कर रहा था कि अगर ये काम करता है, नहीं पता लगा शौक में चला गया ज़्यादा, तो ऐसा हुआ नहीं, सक्सेस रहा, इसलिए मैं उसको आज करूँगा। दिस ऑल।